G20 समिट की मेजबानी के लिए भारत मंडपम तैयार है और यहां बनाए गए विशाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में पूरा भारत एक साथ जीवंत होगा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में तैयारियों का जायजा लिया। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत मंडपम में की जाएगी। यहां बनाए गए विशाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में पूरा भारत एक साथ जीवंत होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया सेंटर G20 बैठकों की कार्यवाही को दुनिया भर में प्रसारित करने का मुख्य केंद्र होगा। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो नए भारत की बुलंद तस्वीर है कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर उस स्तर का बनाया गया है जहाँ पर शायद पहले किसी G20 की बैठक में इतना बड़ा ना हो। 3000 से ज्यादा देश और विदेशी मीडिया कर्मियों को सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। उनके लिए जहां एक और ब्रॉडबैंड की सुविधा भी है, मीडिया लाउंजेस भी है, कियोस्क भी बनाए गए हैं, साथ ही साथ उनके भोजन भी एक साथ कम से कम 2500-3000 लोग खाना खा सकें वो भी डाइनिंग हॉल में प्रावधान है। मीडिया सेंटर उन सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर्मियों की मेजबानी करेगा जो G20 शिखर सम्मेलन को कवर करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में होंगे। मीडिया सेंटर में 1-to-1 इंटरव्यू लेने के लिए छोटे मीडिया बूथों के साथ ही 50, 100 और 300 लोगों की क्षमताओं वाले मीडिया ब्रीफिंग रूम जैसी सुविधाएं भी हैं। भारत मंडपम की पृष्ठभूमि के साथ लाइव स्टैंड अप पोजीशन मीडिया कर्मियों के लिए भी उपलब्ध होगी। G20 शिखर सम्मेलन की पूरी कार्यवाही अल्ट्रा हाई डेफिनेशन और 4K प्रसारण टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड की जाएगी। देश में ऐसा पहली बार होगा। एक अवसर है लोगों को देखने का कि तमिलनाडु के सुंदर टेंपल्स देखें, एलिफेंट्स देखें, राजस्थान का खूबसूरत कल्चर देखें, हिमाचल के पहाड़ों से लेकर वहाँ की टोपी शॉल से लेकर और अन्य क्षेत्र के अगर देखिए गुजरात से लेकर राजस्थान सबका यहाँ पे एक तरह से कुछ ना कुछ दिखाया गया है भारत के कल्चर को लेके। और एक ग्रीन वॉल भी यहाँ पे बनाई गई है ताकि आप उसके सामने खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे तो आपको जो भी बैकड्रॉप साथ में चाहिए आप देश के उस हिस्से को बैकड्रॉप के रूप में पा सकते हैं। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को होने वाला है। शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के 30 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों, आला अधिकारियों और आमंत्रित अतिथि देशों के साथ ही 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है।